ईकोस एक संस्था जो कि समय समय से समाज से मनुखता की सेवा विच हमेशा तत्पर रहती है। इस संस्था वालों एक होर विशेष उपराला कर दिया पंजाब के पिंड पूरे जिला संगरूर विच गुरु नानक पवित्र जंगल वसाया जा रहा है, जिस विच संस्था वालों 1313 रुख लगाए गए ने। काबले गौर है कि इस जंगल विच रुख पंजाब दियां जद्दी प्रजातियां जिड़ी कि अलोप हो जा रही नहीं उन्होंने रुखां नूं ही लगाया जाता है, जिस नाल धरती उपजाऊ हुंदी है ते ये रुख थल्लों पानी दा तल उपर लै आउंदे ने ते नाल कई किस्म की जैविक विभिन्नता किस्म किस्म के कीड़े मकौड़े तितलियां आदि निमंत्रित करते हैं, जिस नाल धरती ते मिट्टी होर उपजाऊ बन जाती है। इन्हां जंगलों के रुख 99% बच जाते हैं, बल्कि सारे हिले लहाउंदे ने अते इह बड़ी छेती वड्डे हुंदे ने। जेकर पंजाब हरा भरा करना है तो अपने पिंड स्कूल गुरुद्वारे कॉलेज या घर के आले दुआले लगाने लई ईको सिख संस्था की टीम नाल संपर्क किया जा सकता है। पिंड भूरे विखे अज गुरु नानक पवित्र जंगल की जिहड़ी शुरुआत होने जा रही है ते इत्थे निर्मल कुटिया भी बननी है ते इसे पिंड दे विच जिहड़ी 2 एकड़ दे विच प्रोजेक्ट जिहड़ा टोटल बन रहा ते पिछे तुहाडे सामने भी ये बूटे भी आ चुके, करीब 1313 बूटिया नाल अज शुरुआत की जा रही है। लैंड प्रिपरेशन होगी ते आओ तुहानू बूटिया के दर्शन भी कराइए ते नाल साडे नाल बहुत प्यारे सज्जन ने सरदार साहब ढींसा जी SS ढींसा जी ते सर थोड़ा बूटिया प्रति ते पंजाब दे विच जिहड़ी ये वधने चाहीदे आ की ख्याल है जी? हुण जो मौजूदा हालात ने उहदे मुताबिक पंजाब दे विच दरख्तों की बड़ी घाट हो गई है, हर थान तो बहुत ज़्यादा दरख्त कटे गए ने। यह जड़ी जगह है सरदार सुरजीत सिंह ने 2 एकड़ जगह दान करी है ते उदे विच इन्होंने संकल्प किया है कि इस जगह ते जो भी दरख्त लगाए जा उन्होंने कदे भी आने वाले समय च ना कटिया जाए अते इत्थे जो भी जानवर अपने घोंसले बनाओ आलने बनाओ उन्होंने कदे भी डिस्टर्ब ना किया जाए। तो यह प्रोजैक्ट दे विच निर्मल आश्रम ऋषिकेश वालों संजोत सिंह जी ने सानू ईको सिक्स केयर फॉर नेचर केयर फॉर ऑल जिन्हों का स्लोगन है उन्होंने संपर्क करवाया। अज उन्हां दी टीम 1500 बूटा लैके इत्थे पहुंची है, वो सारे उन्हां दे जिहड़े ने सज्जन इत्थे पहुंचे ने ते असीं उन्हां नूं इह सारी जगह दिखाई है ते उन्हां नूं मिल के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने दस्या भी ये जिहड़ा हैगा टार प्रोजैक्ट है ये गुरु नानक देव जी दे 550वीं जिहड़ी शताब्दी है उसनूं समर्पित है ते उम्मीद करदे हाँ कि इस एरिए इकोलॉजिकल बैलेंस लई ये जंगल एक बड़ी वधिया जिहड़ा है जगह साबित होवेगा अते सिर्फ साडे लई नहीं जिस संकल्प लई ये सरदार सुरजीत सिंह इहनूं बना रहे ने ये साडियां आउण वालियां नस्लां लई भी ये प्रोजैक्ट एक राह दसेरे दा काम करेगा। सो असीं ईको सिक्स दे बड़े धन्नवादी हाँ जिन्हां ने ये जिहड़ा है प्रोजैक्ट नूं टेक ओवर करके इहनूं बनाउण दी कोशिश कर रहे ने। जंगली जानवर मतलब कि दरख्त पट्टे जाते ने कोई उन्होंने वास्ते रहन बसेरा नहीं रहा अज की डेट सुन्ने मतलब खेत ने बाहरले लोगों ने कमर्शियल हो गया सारा काम इस करके मन की इच्छा सी 2 किल्या जंगल बनाईए ते गां जानवर के रहन नूं जगह बने तो ऑक्सीजन का भी घटती जा रही है वह भी लोगों के जानवर के रहन बसेरे सरदार सुरजीत सिंह जी जिहड़े चंडीगढ़ तो बिलोंग करते ने महान पुरश जिहड़े धरती दे लई सोच रहे ने अज दे लई नहीं अपनी जेब लई नहीं भविख लई सोच रहे ने सारी दुनिया वास्ते सोच रहे ने कि हरेक नूं ताज़ी हवा मिले ते खास करके ह्यूमन सेंट्रिक सोच नहीं हैगी ये बंदियां तो अगां जीव जंतुआं पंछियां तितलियां भंवरे जुगनू जो भी साडे कुदरत दे जिहड़े जीव जंतु ने
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਚ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।